हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि आज हम बनाकर तैयार करेंगे गेहूं के आटे से। बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत ही रसीले बनकर रेडी होंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बोल। इस बोल में मैं डालूंगी एक कप गेहूं का आटा। तो उसी कप से मेजर करके अब हम लेंगे मिल्क पाउडर, एक कप गेहूं का आटा और एक कप मिल्क पाउडर, बराबर की क्वांटिटी हमें रखनी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड करना है, आधा चम्मच। ये खाने वाली चम्मच है और इससे आधा चम्मच बेकिंग सोडा इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसका एक स्मूथ सा डो बनाकर रेडी करना है। तो डो बनाने के लिए मैं दूध का यूज करूंगी। एक कप मैंने दूध पहले लिया हुआ है और इससे अब हम इस डो को बनाकर रेडी करेंगे। अगर हमें और दूध की ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में और ले लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने और दूध लिया है, इसमें लगभग 1.5 कप के करीब मैंने इसमें दूध डाला है। ये काफ़ी स्टिकी होता है क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला हुआ है। ये देखिए काफ़ी स्टिकी है और बिल्कुल स्मूथ सा, ये देखिए जैसे आप देख रहे होंगे। 1.5 कप दूध से हमने इसे बनाकर रेडी किया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि इसका जो चिपचिपापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए और हमें जो ये आटा है इसे गूंथने में आसानी हो जाए, इस मिक्सचर को मिक्स करने में आसानी हो जाए। तो लगभग 2 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब हम इस मिक्सचर से छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत बड़े बॉल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी ये लगभग डबल फूल जाएंगे, तो इसलिए मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाकर हम रेडी करेंगे। आप चाहे तो लंबे साइज़ के भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर गोल बना रही हूँ। इस तरह से सारे बॉल बनाकर हम रेडी कर लेंगे और फिर इन्हें अब हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल डाल रखा है। ऑयल मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखिए मैंने एक बॉल डाला तो इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बस इतने ही गर्म ऑयल में हमें इसे डालना है और गैस को लो टू मीडियम पर रखना है, बहुत हाई गैस नहीं रखनी है। और अब इसे यूँ पलट पलट कर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जो गुलाब जामुन है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसके लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में ही इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े छोटे गुलाब जामुन बनाकर रखे हुए हैं, बॉल्स बनाकर रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और इन्हें भी मैं इसमें, तो इन्हें भी हम साथ में ही डीप फ्राई कर लेंगे। ये छोटे छोटे जो मैंने बॉल्स बनाए हैं गुलाब जामुन के फ्रेंड्स, इनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगी, नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ करूँगी। गुलाब जामुन केक बनाने वाली हूँ मैं, तो उसी में मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो साथ ही मैं सारा फ्राई कर लूँगी, मैं जितना भी बॉल्स मैंने बनाया हुआ है सारा एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। अगर आप काला जामुन बनाना चाहते हैं तो इन्हें थोड़ी देर तक फ्राई करिएगा ताकि ये थोड़े डार्क कलर के हो जाएँ। मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे कलर में ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए वाओ, बहुत ही अच्छे तलकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। जब हम आटे के गुलाब जामुन बनाते हैं तो हमें चाशनी गुलाब जामुन तलने के बाद में बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, लगभग 1.5 कटोरी चीनी ले लेंगे, उसे एक कढ़ाई या पैन में डाल देंगे। गैस को हम कर देंगे ऑन, इसमें आधा कप लगभग पानी डाल देंगे और चीनी को अच्छे से पानी में घुल जाने देंगे। यहाँ पर हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस चिपचिपी चाशनी चाहिए होती है फ्रेंड्स गेहूं के गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो
तो जो चाशनी है वो लगभग लगभग मुझे लगता है रेडी हो गई है। इसे हम एक बार चेक करेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई इलायची। तो दो इलायची मैंने कूट कर इसमें डाल दी है और चाशनी लगभग रेडी हो चुकी है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेंगे क्या ये चिपचिपी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे, तो इस चम्मच में हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक करके अब दिखाती हूँ। लगभग लगभग ये हो चुकी है। ये देखिए चिपचिपी सी हो गई है। ये देखिए चिपकने लगी है उंगलियों के बीच में। इसका मतलब है कि चाशनी बनकर रेडी हो गई है। अभी हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और जितने भी गुलाब जामुन हैं वो इसमें डाल देंगे। जितने गुलाब जामुन एक बार में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। और गुलाब जामुन डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से चला देंगे और इसकी लिड को हम ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे इस पर, और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे इसी तरह से। पाँच मिनट के बाद में हम इसे एक बार फिर से ढक्कन को खोलेंगे और चला देंगे। 5 मिनट के बाद एक बार हम फिर से इसे खोलकर चला देते हैं। ढक्कन को फिर से बंद करके 5 मिनट और पकने देंगे और 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। आधे घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद मैं इसे आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए चाशनी लगभग लगभग पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है। देखिए कितनी सारी चाशनी थी और अभी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो गुलाब जामुन है उन्होंने चाशनी को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। गुलाब जामुन बहुत ही रसीले बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।